Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our small support for you for the vocab. I'm sure words are very important, ye aap sabko pata hai. Aapki har exam ke andar, alag alag competitive exams ke andar, ye words aapke liye aate hai. Aur bahut regularly aate hai. Aur in sabhi exams ke liye, aapko vocab, jiska weightage, agar direct question mein dekhe jaye, to kafi kam hai, kareeban 2-3 questions aate hai. पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी सब चीजों में मिलाकर उसका वेटेज काफी बड़ा बन जाता है और इसकी वजह से इसके लिए एक अलग से मेहनत करने की जरूरत है और उस मेहनत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है दैट हम कौन कौन से वर्ड्स करें. ठीक है, तो मैंने ये सोचा दैट आई विल ब्रिंग हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बार आए हैं, और ऐसे करीबन 200 वर्ड्स हैं जिनको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे डेली. ये 200 वर्ड्स को एक बार में कंप्लीट नहीं करेंगे, डेली 5-5 के लॉट में करेंगे, ताकि एक छोटा सा वीडियो आपको जब भी देखना है फटाफट देख सकते हैं. ठीक है, आप बिल्कुल प्रो टैलेंट के बेल आइकन को टिक कर दीजिए सो दैट आपको जब भी ये नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मिले. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, you will be in a position to do daily 5 words and thereby you will do good practice on these words. Okay, chaliye, great. So let me start with this, you can say 5 words for the day. Okay, so let me talk about some more thing related to this high frequency words. Okay, so what we are going to do daily 5 words. Okay, Monday to Friday, this is what we are going to do. Monday to Friday, okay, that is high frequency words. 5-5 words aapke liye target hai hamara, 200 words complete karna, and we are going to take up this in an alphabetical order. Theek hai, taki aapko kabhi revise karna hai. Theek hai, aur aapko ye videos kuch samay ke baad dekhne hain to bhi aap bilkul usko time pe dekh payenge kyunki aap usi order mein ja sakte hain. And make sure that you practice them in the sentence. Theek hai, mera manna hai ki koi bhi वोकैब के लिए अगर हम बात करते हैं तो वी आर लुकिंग एट द ग्रेजुएट लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स. सो वी आर लुकिंग एट ग्रेजुएट लेवल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ग्रेजुएट लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स? लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो देयर आर 5 थिंग्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रेजुएट लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स? ठीक है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, ठीक है, कोई भी वर्ड के साथ आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, मिनिमम 5 सिनोनिम्स एंड मिनिमम 5 एंटोनिम्स पता होने चाहिए. ठीक है, दिस इज वेरी क्रिटिकल. ठीक है, आपको वर्ड्स के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए तो ये मिनिमम चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन सिंपल एग्जांपल कॉल्ड बिग. ठीक है, आई एम श्योर एवरीवन ऑफ यू नो दैट व्हाट आर द सिमिलर वर्ड टू बिग. सो बिग इज लार्ज, ह्यूज, जंबो. ठीक है, जाइजेंटिक, दिस इज जाइजेंटिक. टाइटेनिक, आई थिंक टाइटेनिक इज ऑल्सो गुड वर्ड. आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट जगरनॉट. हर्ड अबाउट दिस वर्ड जगरनॉट? जगरनॉट वर्ड कम्स फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ. ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ से ये वर्ड निकला है क्योंकि जगन्नाथ पुरी की जब यात्रा होती है उनका एक रथ बाहर निकलता है और उस रथ में लोग अपने आप को उस रथ के नीचे मतलब न्यौछावर कर देते थे, अपने आप अपना जान दे देते थे और उनको लगता था वहां से मोक्ष मिलता है. और वहां से ब्रिटिशर्स यूज दिस वर्ड कॉल्ड जगन्नाथ और जगरनॉट विच इज अ ह्यूज पावरफुल फोर्स. सो दिस इज टाइटेनिक, जगरनॉट, मैमथ. ठीक है, सो मैमथ इस तरीके के वर्ड बनेंगे. ठीक है, एंटोनिम्स आपको पता होंगे. ठीक है, दैट इज स्मॉल, टाइनी, माइक्रो, मिनी, नैनो. ठीक है, ये सब उसके एंटोनिम्स होंगे. ठीक है, सेकेंड चीज आपको पता होनी चाहिए दैट वर्ड रिफर्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो वर्ड रिफर्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच? आई एम श्योर यू नो दैट टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. ठीक है, कौन कौन सी है ये? इवान कैप, क्या बोलते हैं इनको? इवान कैप. आई माने
इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, अरे ओ, दैट्स हाउ द वर्ड व्हिच आर, मतलब जो आवाज जो साउंड पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड आई इंटरजेक्शन. वी इज वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव, एन फॉर नाउन, सी फॉर कंजंक्शन, दैट इज जोड़ने वाले वर्ड, एंड बट, ठीक है, देन एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड प्रोनाउन. सो दिस इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू शुड नो दैट वर्ड रिफर्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच. देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ड may have a positive connotation, may have a negative connotation, or may be neutral. Kuch words positive hote hain, kuch words negative hote hain, aur kuch words neutral hote hain. Aapko pata hona chahiye ki ye word kaise positive hai, kaise negative hai. For example, let me take you an example. Hindi mein ek word hai lootna, aur ek aur word hai chori karna. Theek hai, dekhne jaye to dono similar word hai, par jab bade bade malls mein sale lagta hai तो लिखा जाता है लूट लो, लूट लो. दे डू नॉट राइट चोरी कर लो. सो दैट मींस चोरी करना एज अ वर्ड विच हैज अ लिटिल नेगेटिव कनोटेशन, वेल लूटना मे हैव अ न्यूट्रल वर्ड. ठीक है, ये तो मैंने हिंदी में समझाया. लेट मी टेक एन एग्जांपल इन इंग्लिश. ठीक है, सो दैट इज अ वर्ड कॉल्ड नटोरियस. नटोरियस का मतलब होता है समवन हु इज फेमस फॉर इलीगल थिंग. समवन इज फेमस फॉर इलीगल थिंग, that is called notorious. इसका मतलब naughty नहीं होता है, इसका मतलब mischievous नहीं होता है, ठीक है, शरारती नहीं होता है. ये भैया छोटा शकील, notorious. दाऊद इब्राहिम, notorious. This is how the word is. Okay? There is another word called doctor. To doctor, that is verb. Doctor as in noun. Doctor as in noun is a very noble profession. ठीक है, just like your law is a noble profession. Medical is also noble profession. But verb as in doctor, that means you doctor the document. मतलब आप क्या कर रहे हो? Temper कर रहे हो. आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो. ठीक है? So that is how this negative word. So this cannot be used in a positive sense if it is used as a verb. Then the fourth thing, this is very crucial. The fourth thing is, you can say denotation and कनोटेशन. कनोटेशन का मतलब होता है कंटेक्सुअल यूसेज. क्या बोलते हैं इसको? कंटेक्स्ट में कैसे यूज करना, दैट इज कॉल्ड कनोटेशन. डिनोटेशन का मतलब होता है उसका डिक्शनरी यूसेज. डिक्शनरी, डिक्शनरी में जैसे उसका यूसेज है वो कभी कभार अलग होता है. कंटेक्स्ट के मुताबिक उसका यूसेज सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू अप्लाई अवर नॉलेज ऑफ वर्ड्स इन द गिवन कंटेक्स्ट, not just in a direct sense. ठीक है, and finally the fifth thing is we should be able to put that word into a sentence. ये पांच चीज अगर हम करने के काबिल है तो बिल्कुल मजेदार चीज है. ये पांच मेथड याद रखिएगा. ठीक है, we are going to use them quite frequently. Okay, I'm going to discuss the word from this particular context. और ध्यान रहे, मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे या तो वर्ब्स होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे. क्यों ऐसे होंगे? बिकॉज दिस आर दी वर्ड्स विच हैव लॉट ऑफ कलर्स, दे हैव लॉट ऑफ कंटेक्सुअल मीनिंग. ठीक है, दे आर नॉट हैविंग अ डायरेक्ट वन लाइनर मीनिंग. ओके, सो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. सो लेट मी स्टार्ट विथ फाइव वर्ड्स. ठीक है, अब ये पूरा ज्ञान बांटने के बाद पांच शब्दों पे चलते हैं ताकि आज आप फटाफट पांच अच्छे शब्द सीख पाए. पहला वर्ड है आपके सामने अबेट. अबेट का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अबेट का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा. एक और अबेट है, ए बी ई टी, अबेट. दिस अबेट मींस टू सपोर्ट इन क्राइम. सो दिस इज टू सपोर्ट इन क्राइम. क्राइम में मदद करना किसी को, दैट इज कॉल्ड अबेट करना. दिस अबेट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इट सेज इट इज टू रिड्यूस इन अमाउंट और डिग्री और इन सीवियरिटी. अमाउंट में कमी करना या कोई चीज के डिग्री में कमी करना या सीवियरिटी में कमी करना, दैट इज कॉल्ड अबेट. ठीक है, सिमिलर वर्ड क्या बनेंगे? ठीक है, मॉडरेट करना, कोई चीज को रिड्यूस करना, सबसाइड करना. ठीक है, सबसाइड करना. वेन, ठीक है, अब ये वेन वर्ड कहां पे आता है? ठीक है, वेन का अपोजिट होता है वैक्स, एंड दैट इज यूज्ड फॉर मून. मून का वेनिंग और वैक्सिंग होता है. ठीक है,
वैक्स होना मतलब धीरे धीरे बढ़ोतरी होना, ठीक है, अमावस से पूनम तक जाना दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, और पूनम से अमावस्या तक आना दैट इज कॉल्ड वेनिंग, ठीक है, दैट इज वेन एंड वैक्स, आई एम श्योर यू नो दिस. रिलेंट, ठीक है, रिलेंटलेस मेहनत करते लोग, मतलब दे आर नॉट रिड्यूसिंग इन देयर एफर्ट्स, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है. एब, एबिंग द फ्लड, फ्लड हैज एब्ड, ठीक है, फ्लड एब्ड, दैट इज हाउ द वर्ड इज यूज्ड, एब, एबिंग द फ्लड, ओके. लेप्स, लेटअप्स, लेकन, दिस आर द सिमिलर वर्ड. लुक एट द एग्जांपल, एज द हरिकेन्स फोर्स अबेटेड द विंड्स ड्रॉप्ड एंड द सी बिकेम काम. सो विच फोर्स हैज अबेटेड? हरिकेन्स फोर्स हैज अबेटेड, ठीक है, अबेट करना मतलब रिड्यूस होना. आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी, ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड हिंदी में बोले तो छुपते हुए भागते रहना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सकॉन्ड. क्या बोलते हैं उसको? छुपते हुए भागते रहना, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड, दैट इज टू लीव सीक्रेटली. टू लीव सीक्रेटली, जब भी आपने एब्सकॉन्ड वर्ड आपके दिमाग में आया, जैसे छुपते हुए भागते रहना, तो ऑटोमेटिकली आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे हम विजय माल्या के बारे में बात कर रहे हैं. पॉसिबल यस, ठीक है, पॉसिबल यस, पर ही इज, ही कैन से फ्यूजिटिव, भगेड़ू बोलते हैं उसको, इज नॉट एन एब्सकॉन्डर, ठीक है, फ्यूजिटिव वो अलग वर्ड है, वो भाग गया है, मतलब सिमिलर वर्ड उसके जैसा ही, पर एब्सकॉन्ड छुपते हुए भागते रहना. सो टू लिव सीक्रेटली, ठीक है, सो टू फ्ली, डिकैम्प और एस्केप, ठीक है, टू फ्ली और टू डिकैम्प और एस्केप, ओके. सो दिस इज हाउ द फ्ली मतलब भाग जाना, ठीक है. एक और वर्ड है, दैट इज टू डेजर्ट. टू डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, किसी को छोड़ देना. सो डेजर्टर, डेजर्टर को हिंदी में बोलते हैं रणछोड़, ठीक है, हाँ जी वही कृष्ण भगवान की बात हो रही है, उन्होंने रण छोड़ दिया था, ठीक है. सो दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड डेजर्टर, ही वाज कॉल्ड डेजर्टर. डिकैम्प, एस्केप, दे आर द सिमिलर वर्ड. लुक एट द सेंटेंस, द पैटर्न एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द रेस्टोरेंट विदाउट पेइंग हिज बिल्स बाय स्निकिंग आउट द बैक डोर. सो ही एब्सकॉन्डेड, ही लीव सीक्रेटली, ही लेफ्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस सीक्रेटली, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड, ओके. चलिए ग्रेट, नंबर थ्री, दिस इज आवर थर्ड वर्ड कॉल्ड एबीज. एबीज का मतलब होता है, एबीज का मतलब होता है एक्सट्रीमली डीप होल. क्या बोलते हो उसको? एक्सट्रीमली डीप होल, ठीक है, और इसी की वजह से वर्ड आता है एबिजल, पर्टेनिंग टू ग्रेट डेप्थ, पर्टेनिंग टू ग्रेट डेप्थ, सबसे नीची जगह. बताइए भैया अर्थ में सबसे नीची जगह कौन सी है? अर्थ में सबसे नीची जगह है, ठीक है, दैट इज इन पैसिफिक ओशन, कॉल्ड मारियाना ट्रांच. क्या बोलते हैं उसको? मारियाना ट्रांच, ठीक है, विच इज द डीपेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ एंड एबिजमल इज एक्सट्रीमली बैड. एबिजमल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, सो दैट्स कॉल्ड एबिजमल परफॉर्मेंस, विच मीन्स बहुत बुरा. इन द थर्ड टेस्ट वी डिड वेल, बट इन द फर्स्ट टू टेस्ट वी डिड वंडरफुली बैड, ओके, दैट्स कॉल्ड एक्सट्रीमली बैड. वी कैन नॉट यूज वंडरफुली बैड, वी हैव टू यूज एक्सट्रीमली बैड, ओके. तो जो बच्चे ये वोकैब देख रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा शब्दों का चयन कैसे होता है, शब्द कहाँ पे किस तरीके से प्रयोग होता है, कौन सा शब्द कहाँ पे चुनना चाहिए, वो आपको आना चाहिए. और ध्यान रहे एबीज के सिमिलर वर्ड बनता है चाज्म. चाज्म मतलब एक गैप होता है, दो दो बहुत बड़े जैसे माउंटेन है, माउंटेन के बीच में खाड़ी है, दैट इज कॉल्ड चाज्म, ठीक है. दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप में बहुत बड़ा गैप होता है तो चाज्म बोलते हैं, ठीक है. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दैट्स अ ह्यूज चाज्म, एंड आई एम श्योर वॉइड इज यू नो वॉइड, विच मीन्स खाली होना, ठीक है, खाली होना, ओके. अच्छा, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रहे, मैंने जानबूझ के इन वर्ड्स के साथ एंटोनिम्स नहीं लिखे हैं, ठीक है. मेरा मानना है दैट इफ यू आर डूइंग वर्ड्स विथ मी, ठीक है, यू हैव टू डू सम एडिशनल होमवर्क, ठीक है. तो जैसे आप ये वर्ड्स देखते हैं बिल्कुल साथ साथ में इसके एंटोनिम्स फटाफट हर वर्ड के एक एक मतलब एक तीन तीन एंटोनिम्स आप ये कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है. आप मेरे साथ सीखेंगे, सिर्फ ये सुनना नहीं है, ठीक है, हमें उसके प्रैक्टिस भी करनी है.
So I think this is very important. So yeah, bhuliyega mat. Let's talk about the fourth word called adulterate. Again, adulterate. Ab adulterate mein root word hai adult. Hai na? Ab ye word yaad kaise rakhte? When you become adult, jab aap adult ho jate hai, theek hai, to aapka mind pure nahi hota hai, theek hai, aur aap har jagah pe kuch impure cheezon ke bare mein soch sakte hai. So that is called adulterate. So that is to make something impure. Just as we become adult, our mind becomes corrupt and it becomes impure, and that's why it is called adulterated, which is made impure. So uska opposite word kya hoga? Unadulterated, which is pure. Or ek aata hai adultery, which is illicit relationship or an affair. IPC ke tahat, Indian Penal Code ke tahat, section number 497 talks about adultery laws. Aur ye jo adultery laws hai, 497, section 497 wale, theek hai, uske upar bahut debate chal rahi hai that they are considered to be, you can say, not gender neutral, they are gender biased, theek hai. So thereby this is big issue which is coming, adultery. So to make something impure, so uske similar word kya banega? Doctor, theek hai, doctor ho gaya, pollute ho gaya, yes or no? So you know the word called pollute. You also know another word which is related to pollute, which is called temper. ठीक है, that is called temper. ठीक है, so temper करना, temper. So that is कोई चीजों को पूरा begin से change करना, temper करना. ठीक है, so these are the kind of similar word. Make sure that you give me antonyms here. And next word is called advocate. है ना? And this is our last word. You can say in this particular module. And every day we are going to give you 5 words. Do not forget that. So who is an advocate? Is a lawyer, but advocate as a verb, which means to speak in favor of. Kya bolna padta hai bhaiya? To speak in favor of. Vegetarian advocated a diet containing no meat. Vegetarian advocated a diet containing no meat. So advocacy is active support for, which is to champion, to support, or to back someone. That is called advocate. That is called advocate. Okay. So I hope this is very clear, this 5 words, and I'm going to tell you 5 more words tomorrow. Do not miss out on that. Okay, chaliye. Thank you very much for watching this, and do not forget to share this video, to like this video, comment that how did you like this. Okay, or protalentdigital.com ke upar aapko in shabdon ka ek chota sa test milega, usko bhi karna bhuliyega mat. Okay, so we are going to give you a good practice test on this 5 words daily. Okay, chaliye, great, all the best, thank you very much.